जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती। मैं हरशंकर चक्रवर्ती। अपने चैनल बॉम कलिंग पोर्टल्स में सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको हमारे घर में होने वाले स्नान पूर्णिमा के उत्सव के थोड़े से विजुअल्स दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि स्नान पूर्णिमा के बाद आपको क्या क्या करना है अगर आप स्नान पूर्णिमा की नीति फॉलो करते हैं। तो लास्ट ईयर हमने बताया था कि हमारे काली मंदिर में ही हमारे जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव होता है और स्नान पूर्णिमा की जो भी नीतियाँ होते हैं इसी मंदिर में होते हैं और ये काली मेला है और इस जगह की अब शुद्धिकरण हो रही है। वैसे तो मंदिर हमेशा शुद्ध होता है लेकिन अभी पंचगव्य में यहाँ पर शुद्धिकरण किया जा रहा है। दोनों मंदिरों के बीच का जो रास्ता है वहाँ पर शुद्धिकरण की जाएगी, उसके बाद जल धारा दिया जाएगा, उसके बाद भगवान जी आएंगे। तो पंचगव्य से अभी शुद्धिकरण हो रही है। तो पंचगव्य क्या है उसको हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी पंचगव्य से उस जगह का शुद्धिकरण हो गया है, भगवान जी आएंगे। तो अभी हमारे जगन्नाथ जी ये देखिए अभी स्नान मंडप जो हमारा काली मंदिर है वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर उनके स्नान की विधि होगी। बहुत सारे लोग स्नान पूर्णिमा की नीति अपने घर में करते हैं लेकिन अनवसर की नीति नहीं करते। स्नान पूर्णिमा और अनवसर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप स्नान पूर्णिमा की नीति करते हैं तो आप अनवसर की नीति भी अपने घर में करें। अगर आप अनवसर की नीति नहीं कर सकते तो स्नान पूर्णिमा की नीति भी अपने घर में नहीं करनी चाहिए, मंत्र स्नान से ही विधि को संपूर्ण करना चाहिए। तो ये हैं हमारे दधि वामन जी। हमारे घर में एकल जगन्नाथ जी की मूर्ति है और इन्हें दधि वामन जी कहा जाता है। तो आज इनकी स्नान नीति है, स्नान पूर्णिमा की विधि है। आगे हम आपको बताएंगे कि स्नान पूर्णिमा के बाद क्या क्या आपको करना है अपने घर में। अभी हमारे प्रभु जी का जो अवकाश नीति है मतलब दांत मांजना वो पूरी हो चुकी है, आधा पूरा हो चुका है, वो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि भगवान जी के प्रसाद बना रहे हैं। अभी भगवान जी के स्नान की नीति पूरी होगी। अभी उनका जो ब्रश करने का नीति है, मुँह धोने का नीति है, वो समापन हो चुका है। अभी स्नान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले भगवान जी को जल से स्नान कराया जाएगा, उसके बाद पंचगव्य से स्नान कराया जाएगा, उसके बाद शहद से स्नान कराया जाएगा और उसके बाद फिर से जल से स्नान कराया जाएगा। तो स्नान पूर्णिमा में 18 मंत्र होते हैं, पुरुष सूक्त मंत्र के साथ 18 मंत्र होते हैं जो स्नान पूर्णिमा की विधि को पूरा करने के लिए की जाते हैं, सिर्फ स्नान की विधि के लिए 18। तो अभी ये पंचगव्य में थोड़ा सा अभी छींटा लगाया जाएगा, स्नान अभी हुआ नहीं है, पंचगव्य से छींटा लगाया जाएगा। पंचगव्य किस चीज़ से बनता है? पंचगव्य बनता है दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, गाय माता से मिलने वाली 5 चीज़ों से पंचगव्य बनाया जाता है और वो सबसे शुद्ध सामग्री होता है। किसी भी चीज़ को शुद्ध करने के लिए पंचगव्य सबसे शुद्ध सामग्री होता है, इसलिए भगवान जी को पंचगव्य से स्नान कराया जाता है। और वो भी ऐसा नहीं है कि आपने 5 चीज़ों को मिला दिया वो पंचगव्य हो गया, उसका एक प्रॉपर मंत्र होता है, मंत्र शुद्धि के साथ मंत्र उच्चारण के साथ उसको बनाया जाता है और उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है पंचगव्य बनाने में। तो सुबह पंचगव्य बनाया गया था और उसके बाद हर जगह की शुद्धिकरण हुई और उसके बाद प्रभु जी का स्नान होगा। जैसा मैंने कहा कि 18 मंत्र पढ़े जाएंगे और आधे घंटे 45 मिनट से ज़्यादा समय लेगा, तो इतना तो हम आपको नहीं दिखाएंगे। और अभी देखिए सबसे पहले पंचगव्य छींटा लग गया, अभी जो घी है उसका छींटा लगाया जाएगा और उसके बाद सबसे पहले जो मंत्र होगा वो पुरुष सूक्त मंत्र होगा। सबसे पहला स्नान जो होगा वो पुरुष सूक्त मंत्र से होगा। अभी आप सोच लीजिए भगवान जी को तेल लगाया जा रहा है, पहले पंचगव्य का छींटा लगाया गया, अभी घी का लगाया जा रहा है, वो सब तेल ही है। और उस बीच में न्यास होगा, न्यास का पाठ मैं आपको नहीं दिखा सकती। भगवान जी का जो वस्त्र पहनने का पाठ होगा, श्रृंगार का पाठ होगा, वो गुप्त होता है, वो कोई नहीं देखता, वो भी लास्ट टाइम हमने नहीं दिखाया था, इस बार भी हम नहीं दिखाएंगे। तो अभी धीरे धीरे एक एक सामग्रियों के साथ प्रभु जी का स्नान होगा। तो अभी घी लगाया गया है, उससे पहले छींटा लगाया गया था। तो अभी जो पंचगव्य है उससे भगवान जी स्नान कर रहे हैं। ये देखिए ये पहला स्नान हुआ है पंचगव्य का, घी लगाए उसके बाद पंचगव्य से स्नान हुआ। उसके बाद प्रभु शहद से स्नान करेंगे, पहले घी लगाया गया उसके बाद पंचगव्य स्नान, उसके बाद शर्करा स्नान, शर्करा अर्थात शहद से स्नान कराया जाएगा। ओम मधु, ओम मधु, ओम मधु।
अभी अधिवासित जल से जो अधिवास करके जल रखा गया है उसमें प्रभु जी का स्नान हो रहा है। और जैसा मैंने कहा 18 मंत्र हैं, 18 बार मंत्र पढ़ा जाएगा, 18 बार प्रभु जी को स्नान कराया जाएगा और उस बीच में एक एक बार कांसाड़ जो घंटी होती है वो बजाई जाती है। जितने बार मंत्र उतने ही बार कांसाड़ बजाया जाएगा और उतने बार प्रभु जी स्नान करेंगे। तो लास्ट ईयर हमसे किसी ने पूछा था कि आपके जो यहाँ पर विग्रह हैं, देव विग्रह हैं, वो कितने साल पुराने हैं। तो जब मैंने बाबा से, मतलब अपने ससुर जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, मतलब मेरे ससुर जी के जो ग्रैंडफादर थे, मेरे ससुर जी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, तो मतलब ये कितने पीढ़ियों से ये विग्रह हमारे घर में हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब मेरे ससुर जी के दादाजी के दादाजी के दादाजी ये विग्रह लाए थे। तो उनके कहने का मतलब है तो शायद 250 साल हो चुके हैं इस विग्रह को। हमारे घर में 500 साल से माँ काली की पूजा हो रही है, तो उस हिसाब से ये 250 या फिर 270 या 280 साल हो चुके हैं हमारे घर में इस विग्रह को। और एकल मूर्ति है, दधि वामन जी इसे कहते हैं। अगर आप एकल जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं तो उनको आप पतित पावन या फिर दधि वामन जी नाम से नामित कर सकते हैं, उनको जगन्नाथ जी के नाम से बुलाया नहीं जाता। उनका कारण क्या है मैंने अपने एक वीडियो में बताया था। तो अभी हमारे दधि वामन जी का स्नान चल रहा है, अभी एक एक मंत्र चल रहे हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग स्नान पूर्णिमा की विधि अपने घर में कर लेते हैं लेकिन अनवसर की विधि नहीं करते। देखिए, स्नान पूर्णिमा अगर आप करते हैं और खास अगर अगर जल से प्रभु जी का स्नान कराते हैं, मैं मंत्र स्नान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जल स्नान की बात कर रही हूँ, अगर आप जल से स्नान करवाते हैं तो आपको अनवसर की नीति करना भी पड़ेगा। क्योंकि अनवसर की जो पीरियड होता है वो प्रभु जी के अस्वस्थ होने का पीरियड होता है, क्योंकि वो स्नान करते हैं और वो अस्वस्थ हो जाते हैं। तो उनको स्वस्थ करने के लिए आपको बहुत सारी विधियां जो हैं वो करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर प्रभु जी का मंत्र स्नान कराते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अनवसर स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग स्नान करा देते हैं प्रभु को, उसके बाद कपड़े वगैरह पहना देते हैं, उनका श्रृंगार कर देते हैं और वापस से उनको उनकी जगह पर रख देते हैं और डेली उनकी पूजा करते हैं और उनका मुँह ऐसे खुला रहता है। अगर आप प्रभु जी का स्नान कराते हैं, प्रॉपर स्नान पूर्णिमा की विधि फॉलो करते हैं, उनको जल स्नान कराते हैं, तो आपको अनवसर की नीति फॉलो करनी पड़ेगी और आपको प्रभु जी का जो मुंह है उसको बंद करना पड़ेगा, ढक के रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ उनकी प्रॉपर सेवा भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बिल्कुल बच्चे की तरह आपको ध्यान रखना है प्रभु जी का। अभी हम दिखाएंगे स्नान करने के बाद किस तरीके से प्रभु को आपको ट्रीट करना है बिल्कुल बच्चे की तरह, क्योंकि उनका तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है बहुत स्नान करने के बाद। उनका सर दर्द होता है, सर में आपको कोई गमछा या फिर कपड़ा बांध के रखना पड़ेगा, उनके मुंह को ढक के रखना पड़ेगा, उनको हाथ पैर आपको दबाने पड़ेंगे। जब भी आप पूजा करने के लिए जाए प्रभु जी के हाथ पैर आपको दबाना है ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। आपने देखा होगा जगन्नाथ रथ यात्रा में बहुत सारे सेवात होते हैं जो प्रभु जी के हाथ को दबाते रहते हैं, उनको पता है उनको तकलीफ़ हो रही है, इतनी बार जो आते हैं वो पहुंडी करके उनके शरीर में दर्द होता है। तो यही सब सेवा होती है जो आपको अनवसर में करनी है, अगर आप प्रॉपर स्नान की विधि करते हैं तो ये करनी है। और भगवान जी को कोई भी आभूषण इस वक्त में आपको नहीं पहनाना है, ना ही मुकुट पहनाना है, ना ही हार पहनाना है, बिल्कुल सफ़ेद फूलों से भगवान जी की पूजा करनी है। और ये देखिए, एक तेल का दिया है, घी का दिया है और दोनों ही दिया लगाना पड़ता है जब नारायण की पूजा करते हैं या फिर नारायण की कोई भी आप अवतार की पूजा करते हैं। तो यही हमारे दधि वामन जी स्माइल करते हुए आज बहुत खुश हैं, एक साल के बाद आप स्नान कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो इनका नया मंदिर बन रहा है और उसकी प्रतिष्ठा 11 जुलाई को है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो जैसा मैं कह रही थी कि भगवान जी को आपको ऐसे अलंकार बिल्कुल नहीं पहनाना है, फूलों के अलंकार पहना सकते हैं बहुत कम, जितना कम सामग्री भगवान जी को आप चढ़ाएंगे उतना ही अच्छा है। और क्या क्या भोग लगाना होता है वो तो हमने आपको लास्ट ईयर में बता दिया था। तो अभी प्रभु जी का भी स्नान समाप्त हो गया है, तो अभी भगवान जी को देखिए, मेरे हस्बैंड जी अपने गोद में रखकर इस तरीके से आपको बच्चों की तरह सेवा करनी है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल जैसे माँ
अपने बच्चे की सेवा करती है। अभी देखिए मेरा मन कर रहा है ना, मैं ऐसे जाके प्रभु जी को ऐसे ले आऊँ और अपने गोद में बिठा लूँ। देखिए मेरा बहुत मन, लेकिन मैं छू नहीं सकती ना, हमारे घर में भगवान जी को हम छू नहीं सकते, शालग्राम है तो छू नहीं सकते। तो लेकिन फिर भी मेरा मन करता है कि मैं ऐसे भगवान जी को ले आऊँ और अपने गोद में बिठा लूँ। तो हमारे प्यारे से जगन्नाथ जी, हमारे महामन जी, तो अभी अच्छे तरीके से उनको पोछा जाएगा और वस्त्र पहनाया जाएगा, वो पार्ट तो हम आपको नहीं दिखाएंगे। और उसके बाद थोड़ी उनकी सेवा अभी होगी और बाद में हर रोज़ उनको थोड़ा हाथ पैर उनका दबाया जाएगा, उनके सर पे गमछा बांधा जाएगा ताकि इतने सारे जल से स्नान करने के बाद जो सर दर्द उनको होता है वो प्रभु जी को ना हो, तो ये सब बात का ध्यान रखना है। और जहाँ तक अर्न भोग की बात रही तो मैं आगे बताऊँगी। ये देखिए अभी इतने कितने प्यार से गोद में बैठे हैं हमारे जगन्नाथ जी, हमारे दधी बामन जी। तो अभी उनको नया वस्त्र पहना जाएगा और उपनयन पहना जाएगा, वो सारी चीज़ें गुप्त होती हैं, वो अभी हम आपको नहीं दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारे जगन्नाथ जी नए वस्त्र पहनकर, जो उनके अनवसर का वस्त्र है वो पहनकर रेडी हो चुके हैं और सारा आभूषण हमने उनका खोल दिया है, वो मुकुट बुकुट वगैरह जो पहनते हैं वो सब खोल दिया गया है, कोई भारी चीज़ उनके शरीर पर नहीं होगी। तो अभी उनकी आरती होगी और भी बहुत सारे न्यास वगैरह हैं वो हो गए, पूजा होगी और अभी 2 घंटे की पूजा और बाकी है। और मैं घर मंदिर मेरा चल रहा है इधर से, क्योंकि भगवान जी के भोग बना रही हूँ, तो आगे मैं उसको भी दिखाऊंगी। और अभी पूजा समाप्त होने के बाद प्रभु जी की भोग आरती हो रही है। अभी भगवान जी को सूखा भोग और फल दिया गया है और ये भोग की आरती है। और बहुत सारे लोग, जैसा मैंने कहा, स्नान पूर्णिमा की नीति कहते हैं भगवान जी का हाथी वेश कर लेते हैं, और जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको घर में हाथी वेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मंदिर में उसकी एक विधि होती है, उसका एक कारण होता है। और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मंदिर में हो रही है हमको वो सारे घर में ही करना पड़े, तो हाथी वेश हमारे घर में नहीं होता क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है हाथी वेश की। तो जो लोग हाथी वेश करते हैं वो बाकी की नीतियाँ नहीं करती। तो अगर आप अनवसर की नीति फॉलो नहीं करना चाहते तो कृपया भगवान जी का सिर्फ मंत्र स्नान ही करें, क्योंकि अगर आप भगवान जी को स्नान कराएंगे तो उनकी तो तबीयत खराब होगी ही। अगर जगन्नाथ मंदिर में भगवान जी स्नान करते हैं उनकी तबीयत खराब होती है, तो उसके बाद वो विधियां सारी फॉलो की जाती हैं। अगर आप वो चीज़ें फॉलो करेंगे स्नान पूर्णिमा की, तो आपको अनवसर की नीति फॉलो करनी पड़ेगी। सर दर्द भगवान जी को ना हो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दी ठीक हो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे की वीडियो में हम आपको ये 2 दिन का वीडियो है, तो एक स्नान पूर्णिमा के और उसके नेक्स्ट डे का भी वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था अगर जगन्नाथ जी को अन्न भोग नहीं किया जाएगा तो कौन सा भोग दिया जाएगा। तो ये जो अनवसर का पीरियड होता है उसमें तो भगवान जी अन्न प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन अगर आपके घर में नारायण जी हैं, सालग्राम हैं, और उनको आप अन्न का प्रसाद देते हैं तो कृपया अन्न का प्रसाद कंटिन्यू करें, जगन्नाथ जी को नहीं दें, लेकिन बाकी सारे भगवान को जिनको आप अन्न का प्रसाद देते हैं उनको आपको अन्न का भोग देना पड़ेगा। हमारे घर में प्रभु जगन्नाथ जी के साथ साथ प्रभु लक्ष्मी नारायण शालग्राम प्रभु हैं, तो उनको भी अन्न का प्रसाद लगता है और उन्हें हर रोज़ अन्न का भोग लगेगा। तो ये सारे सूखे भोग हैं, मिठाइयाँ हैं, दही का छेना है, ग्रेटेड कोकोनट है, बूंदी के लड्डू हैं और सारे फ्रूट्स हैं और पंचामृत हैं, ये भगवान जी को सूखा भोग लगाया गया है। इसके बाद अन्न का भोग लगेगा। तो आज मैं अकेला सब कुछ कर रही हूँ, मेरी जेठानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको बहुत बुखार है, उठ नहीं पा रही हैं, लेकिन हम काम बांट लेते थे तो आज सब मुझे अकेला करना पड़ रहा है। तो ये था सूखा भोग। और यहाँ पर हमने जो अन्न का भोग बनाया है, यहाँ पर हमने बनाया है आलू परवल की सब्ज़ी, दही बैंगन और खीर बनाई है, और यह मिक्स वेज सब्जी है, दाल बनाई है, चटनी बनाई है और 2 रकम की भाजी बनाई है। और यहाँ पर भगवान जी के लिए अन्न मैंने बनाया है और मेरी जेठानी की बहन आई हुई है, क्योंकि मेरी जेठानी की तबीयत ख़राब है, तो सारे बाकी घर वालों के ने दूसरा अन्न बनाया है। और ये माँ काली के लिए खीर निकाली गई थी, वो प्रसाद है। तो ये सारे सब प्रसाद जो है भगवान जी के लिए हमने बनाया है। और अभी भगवान जी अपने मंदिर में जा रहे हैं वापस अनवसर की नीति करने के लिए। आज प्रभु का मुँह ढक दिया जाएगा और रथ यात्रा के दिन नवयौवन दर्शन इस बात आ रहा है, तो दोनों नीतियाँ एक साथ होगी। उस बीच में भगवान जी की जो बनक लागी नीति होगी
मतलब भगवान जी का जो रंग रोगन होगा वहीं पर से भगवान जी का चेहरा खोल के जो रंग करेंगे हमारे पुजारी जी वही देख सकेंगे। और ना सिर्फ रथ यात्रा के दिन ही भगवान जी का मुंह हम देखेंगे, तो अभी भगवान जी के मुंह ढक दिया जाएगा और उनके सर पे एक नया गमछा जो है वो बांधा जाता है ताकि भगवान जी के सर में दर्द ना हो। और उस बीच उनकी सेवा भी होगी, उनकी हाथ पर दबाए जाएंगे, थोड़ी जैसे सेवा होती है वो होगी। तो आज का वीडियो जो स्नान पूर्णिमा का वीडियो, इसके आगे मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो नेक्स्ट डे हमने भगवान जी को क्या भोग लगाया, नारायण जी को क्या भोग लगाया वो हम आपको दिखाएंगे और क्या क्या अनवसर में आपको करना है वो हम आपको दिखाएंगे। तो आज है स्नान पूर्णिमा के बाद का दिन, तो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि जगन्नाथ जी को आप क्या फूल चढ़ाएं। वैसे तो हमारे जगन्नाथ जी की पूजा समाप्त हो गई है, माँ काली की पूजा समाप्त हो गई है, तो यहाँ पर थोड़े पुष्प रखे हैं मैंने आपको दिखाने के लिए कि जगन्नाथ जी को आप कौन सा पुष्प चढ़ाएं। तो सबसे पहले ये है मधुमालती का फूल। अनवसर में जगन्नाथ जी को सर और मालती का भोग लगता है। सर मतलब जो मलाई होती है वो और मालती फूल दिया जाता है एक साथ भोग में। तो ये मालती का जो फूल है, मधुमालती का फूल, उसमें दिया जाता है। तो इसमें एक गुच्छे में लाल भी आता है और सफ़ेद भी आता है। तो अगर आप मालती का फूल प्रभु को दें तो इस तरीके से सफ़ेद का फूल चुन के दें। बहुत सारे लोग लाल भी देते हैं, अच्छा दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मालती का भोग लगता है, सर मालती का भोग लगता है, तो लाल भी चलेगा। लेकिन अगर आपके पास सफ़ेद अवेलेबल है तो आप सफ़ेद दीजिए। और हमारे एक सब्सक्राइबर बहन ने हमसे पूछा था कि अगर एकादशी तक भगवान जी को तुलसी नहीं लगेगा अनवसर समय में, तो वो क्या डाल के भगवान जी को भोग लगाएं। तो आप कोई भी सफ़ेद फूल उस भोग में डाल के भगवान जी को नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी नहीं लगेगा और सीधा आप दे नहीं सकते, बिना तुलसी डाले तो आप दे नहीं सकते। तो इसके बदले सफ़ेद फूल दीजिए, सफ़ेद फूल डाल के भी भगवान जी को भोग लगाया जा सकता है। जैसा हमने कहा कि हमने यहाँ पर कुछ फूल रखे हैं दिखाने के लिए कि जगन्नाथ जी को क्या क्या फूल लगेंगे। तो बिल्कुल सफ़ेद फूल तो सारे लगते हैं, जितने सफ़ेद फूल आपके पास अवेलेबल हो आप सब प्रभु को दीजिए। यहाँ पर देखिए तराट है, रजनीगंधा है, मालती है, ये सारे फूल भगवान जी को दिए जाते हैं, क्योंकि ये सारे सफ़ेद फूल हैं। कोई भी रंगीन फूल अनवसर के समय प्रभु जी को नहीं चढ़ाया जाता, तो ये सारे फूल आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी की तो पूजा हो गई है, वो अनवसर में वो तो निगाह ही दिखा सकते। तो यहाँ पर ये गुरुदलांग फ्लावर है, ये भी सफ़ेद है, ये जगन्नाथ मंदिर में बहुत चढ़ाया जाता है। हमारे एक पड़ोसी हैं, उनके बगीचे में ये खिला है, तो यहाँ से उन्होंने गुरुदलांग हमारे घर में दिया है, तो गुरुदलांग यहाँ पर लगा है और जगन्नाथ जी को भी गुरुदलांग लगा है। तो ये सारे सफ़ेद फूल आप अनवसर में प्रभु जी को दें। एकादशी तक तुलसी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे वीडियोज में हमने कहा है, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर भी हमारे आए हैं जो नहीं जानते। और जैसा मैंने कहा, अन्न का भोग ज़रूर दीजिए। आज हमारे नारायण जी के पास पुलाव, खीर और मिठाई का भोग लगा था, और जगन्नाथ जी के पास आज फल लगा था, फल दिया गया था। और कल से भगवान जी को छेना, रबड़ी, मलाई, ये सब भोग दिया जाएगा। बीच में सर और मालती का भी भोग लगाया जाएगा। और क्योंकि हमारे घर में नारायण जी भी हैं और भगवान सालग्राम में, उनके पास अन्न का भोग लगाया जाता है, तो ये पुलाव और खीर उनके पास लगाया गया है भोग में। तो ये थी आज की वीडियो। हमारे दधी बामन जी, हमारे प्यारे से जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा का उत्सव आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और क्या क्या आपको करना है, नहीं करना है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपको बताएंगे जो भी हमें मालूम होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।